तो हेलो दोस्तों, अपन आ गए को नई वीडियो लेके। आज अपन बात करने वाले टॉप 5 यूनिक हॉरर मूवीज़ की, जो कि इंडिया की मूवीज़ हैं और उनकी अकॉर्डिंग टू देयर IMDb रेटिंग्स के हिसाब से ये मूवीज़ सबकी सब अलग हैं और सबकी सब अलग अलग ओरिजिनल लैंग्वेज में, पर सबका हिंदी डब आपको मिल जाएगा, ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर सबको हिंदी में देखा है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब इस लिस्ट की शुरुआत हो जाती है एक मलयालम मूवी के साथ जिसका नाम है कुमारी, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.3 और जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। पर इसका हिंदी डब आपको नेटफ्लिक्स पे नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा, जो कि अनऑफिशियली डब्ड होगा हिंदी। और काफ़ी लाजवाब मूवी है। इसकी स्टोरी सिंपल है, एक शराब की कहानी है जो कि गांव वालों को दिया गया था। इसमें एक देवी रहती है, उसके दो बेटे रहते हैं, जिसको एक बेटों को श्राप दिया जाता है। इसमें से एक बेटा रहता है चट्टन, जो कि जंगल में रहने का, और दूसरा बेटे गड़िन देवन को ज़मीन के नीचे रहने का। और ये मूवी की में अगर मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो स्पॉइलर हो जाएगा। काफ़ी लाजवाब मूवी, आपको ज़रूर देखना चाहिए। और ये मूवी मुझे काफ़ी बार सोमवार की फील देती है, पर ये थोड़ी आपको लंबी ज़रूर फील होगी, पर इस पर बहुत अच्छा सीन दिखाएंगे, बहुत सारे ऐसे क्रीपी सीन्स है जो आपको देख के मज़ा आ जाएगा अगर आप देखोगे। और मैं रिकमेंड करूँगा इसको ओरिजिनल लैंग्वेज में देखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसका हिंदी डब इतना अच्छा नहीं जो अनऑफिशियल जो जितना मैंने देखा। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली व्यक्ति की ओर। अब लिस्ट की अगली मूवी आया थी, उसका नाम है आवर, जो कि रिलीज हुई थी 2017 को, जिसकी IMDb रेटिंग है 6.7। इसका आपको हिंदी डब ऑफिशियली देखने को मिल जाएगा और आप इसको देख सकते हो जियो सिनेमा पे बिल्कुल फ्री में, इसलिए बहुत अच्छी बात है। इसकी स्टोरी लाइन बिल्कुल सिंपल है। इसमें जो एक मैरिड कपल रहता है, वो उनके एक नए नेबर्स आते हैं जो कि थोड़ा उसके पास उनके साथ कुछ पैरानॉर्मल अटैक्स होने लगते हैं, थोड़ी भूती वाली घटनाएं होने लगती है, इसके बाद उनको भूत दिखने लगते हैं, स्पिरिट दिखने लगती हैं। इसके बाद उनको एक्सोरसिज्म करना पड़ता है, और ये एक्सोरसिज्म सक्सेसफुल होता है कि नहीं होता है जानने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी अच्छी है, और इसके अलावा इसका हिंदी डब भी काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा इसमें जो हॉरर मूवमेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब डर लगता है भाई जब भी आप इस मूवी को देखो। तो आपको चलिए बढ़ते हैं अपन अगली मूवी की ओर इसी के साथ। अब इसमें अगली मूवी आई थी जो कि एक मराठी मूवी होने वाली, जिसका नाम है लपा छपी, जिसका अनफॉर्चुनेटली इसका कोई भी हिंदी डब आपको देखने को नहीं मिलेगा, ना ऑफिशियली ना अनऑफिशियली, पर मैं हाईली रिकमेंड करूँगा इसको ज़रूर देखें। पर इसका एक रीमेक ज़रूर देखने को मिल जाएगा अमेजोन प्राइम पर, जिसका नाम था छोरी, और वो भी काफ़ी अच्छा है। पर ये आप ओरिजिनल तो ओरिजिनल होती है, आप ये जानते ही होंगे। उसकी भी IMDb रेटिंग 6.7 है, पर इसकी IMDb रेटिंग 7.7 है। इसमें एक्टिंग काफ़ी अच्छी की है, इसको आप सबटाइटल के साथ देखोगे तो आपको अलग ही फील आएगा। ऊपर से मराठी आपको समझने आने लगेगी, मैं तो बता रहा हूँ, इतना कुछ इतना टफ नहीं है इसमें कोई डायलॉग। अगर आप इसको देखना चाहो तो प्लीज़ मैं इस पर इसको ज़रूर देखिए, इसको मिस मत करिए कि लैंग्वेज इसकी हिंदी नहीं है तो इसलिए। तो चलिए साथ ही इसके साथ बढ़ते अपन अगली मूवी की ओर। अब लिस्ट की अगली मूवी आ जाती है, वो एक और मलयालम मूवी होने वाली है, जिसका नाम है भूत कालम, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.5। ये मूवी हॉरर ड्रामा मिस्ट्री से बनी हुई है। ये मूवी आपको देख के बहुत मज़ा आएगा, पर ऑफिशियल इसका हिंदी डब आपको नहीं देखने को मिलेगा। आप ऑफिशियली इसको सोनी लिप पे देख सकते हो मलयालम में, पर आपको अनऑफिशियली इसको गूगल पे देखना पड़ेगा। जो हिंदी डब है बहुत बेकार है क्वालिटी का है, पर आप देखना चाहते हो देख सकते हो। इसकी स्टोरी सिंपल है, इसमें एक दिन इस मेन कैरेक्टर की नानी की डेथ हो जाती है, उसके बाद से कुछ सीन्स होने लगते हैं उसकी फैमिली के अराउंड, मतलब कि फैमिली में दो ही लोग रहते हैं, माँ और वो बेटे। फिर उनको पता चलता है कुछ बातें कि फिर आपको एंडिंग में जाकर जो चीज़ें मिलती है उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि अगर स्पॉइलर हो जाएगा मैं कुछ कहूँगा। फिर आपको उससे एंडिंग को देख के लगता है क्या हकीकत था क्या था। इस मूवी को बिल्कुल भी मिस ना करिएगा, मूवी आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देगी। चलो चलिए तो इसी के साथ बढ़ते अपन अगली मूवी की ओर, लास्ट मूवी की ओर। अब लिस्ट की आखिरी मूवी होने वाली, जो कि होने वाली विजय सेतुपति सर की मूवी, जिसका नाम है पिज्ज़ा, जो कि 2012 वाली पिज्ज़ा है, जिसकी IMDb रेटिंग है 8, जो कि बहुत ही लाजवाब है, जिसको आप देख सकते हो हॉटस्टार पे। हिंदी डब इसका आपको ऑफिशियली भी मिल जाएगा, और पर हॉटस्टार पे नहीं देखने को मिलेगा इसको ऑफिशियली हिंदी डब। और इसका हिंदी वर्जन भी आया है, पर वो इतना अच्छा मुझे लगा नहीं, ये ओरिजिनल होता है, ये तो बात तो आपको पता ही होगा। इसकी स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, इसमें एक पिज़्ज़ा बॉय डिलीवरी की कहानी है। बाकी आपको आगे जानने के लिए मूवी देखनी पड़ेगी, मूवी काफ़ी अच्छी है और आपको इसको ज़रूर देखना चाहिए। तो अगर आप इस वीडियो में अब तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं इस वीडियो को, तो ज़रूर करें। अपन मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।